नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की तरफ से आज हम लेके आए हैं न्यू वैकेंसी जो कि एक वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज हुआ है। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि भोपाल में है, यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किए गए हैं फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स, सीनियर रिसर्च फेलो, यंग प्रोफेशनल्स 1 एंड 2। सो गाइज, यहाँ पर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से कैचअप कर सकते हैं। यहाँ पर NISO 9001:2015 सर्टिफाइड है ये। यहाँ पर दिया हुआ है इवेंट्स एंड ट्रेनिंग्स, अनाउंसमेंट, टेस्टिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूट ऑफिशियल्स, PG सेल्स, पब्लिक इंफॉर्मेशंस, वीडियो गैलरी एंड फोटो गैलरी। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सर्कुलर, स्टैंडर्ड्स एंड अदर डिटेल्स दी गई है। सो गाइस, ये इसका होम पेज है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी। एंड यहाँ पर दिया गया है, डिफरेंट पैनल्स बनाए गए हैं ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पर सारे काम होते हैं। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो कि भोपाल में स्थित है। सो गाइज, यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारी वेबसाइट का डिटेल्स दिया गया है। ICAR वेब पोर्टल्स दिए गए हैं, देयर लिंक दी गई है। यहाँ पर डायरेक्टर्स हैं डॉक्टर CR मेहता सर जो कि ICAR CIAE के भोपाल के डायरेक्टर हैं। सो गाइज, यहाँ पर हम देख रहेंगे स्क्रॉल डाउन करते ही डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, वेबसाइट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आगे हम देखेंगे रिबन टैब में दिया गया है डिविजन्स AICRP टेक्नोलॉजीज, रिसोर्सेज, पब्लिकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ दी गई है। यहाँ पर अनाउंसमेंट्स में सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन में फर्स्ट नोटिफिकेशन है, उस वो हम कर लेते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पर PDF हो गया है डाउनलोड। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज में 9 अप्रैल से वॉक इन इंटरव्यूज स्टार्ट हुए हैं जो कि 29 अप्रैल तक चलने वाले हैं। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं द वॉक इन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट एंड यंग प्रोफेशनल फेलोज, यंग फेलोज, ये सारी चीज़ें दिया गया है। सीनियर रिसर्च फेलो है 9 अप्रैल को, जिसके लिए हमें मास्टर डिग्री मांगी गई है। देन नेक्स्ट पोस्ट इज़ यंग प्रोफेशनल 2, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फार्म एनर्जी मांगी गई है जो कि 10 अप्रैल को होने वाला है, जिसकी सैलरी 42,000 रहने वाली है। देन सीनियर रिसर्च फेलो जिसकी मास्टर डिग्री मांगा गया है केमिकल इंजीनियरिंग एनर्जी में, 15 अप्रैल को इसका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। देन नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिसर्च एसोसिएट जिसमें PhD और रिलेवेंट डिग्री मांगी गई है, इसकी सैलरी रहने वाली है 54,000 पर मंथ प्लस HR। यहाँ पर 16 अप्रैल को यह रहने वाला है। देन नेक्स्ट पोस्ट इज़ सीनियर रिसर्च फेलो SRF, यहाँ पर मास्टर डिग्री इन मॉलिकुलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मांगी गई है, इसकी सैलरी 31,000 है। एंड यहाँ पर मेनली बैचलर्स डिग्री की बात कर लेते हैं, यहाँ एनी डिग्री एनी ग्रेजुएट की, यहाँ पर यंग प्रोफेशनल की पोस्ट रहने वाली है, इसकी सैलरी 30,000 है। नेक्स्ट भी यही पोस्ट रहने वाली है, इसमें BE BTEC मांगा गया है। जो मेनली हमारा ग्रेजुएट बच्चों के लिए है, ये यंग प्रोफेशनल है, 8th नंबर 9th नंबर की पोस्ट, इसमें डिग्री मांगी गई है। एंड मेनली हम जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मल वे में जिनका ओनली ग्रेजुएशन रहता है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है जिसमें PhD मांगा गया है, और अगर PhD नहीं है तो मास्टर डिग्री मांगा गया है जो कि 24 अप्रैल 2024 को ऑर्गेनाइज होगा। देन नेक्स्ट पोस्ट इज़ यंग प्रोफेशनल्स, यहाँ पर ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स मांगा गया है, इसकी सैलरी 30,000 रहने वाली है। ये 25 अप्रैल को मॉर्निंग में 10 o'clock रहने वाला है इसका वॉक इन इंटरव्यू। द नेक्स्ट पोस्ट इज़ यंग प्रोफेशनल 1, इसके लिए ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड साइंस टेक्नोलॉजी,
मांगी गई है। इसकी सैलरी 30,000 रहने वाली है एंड 26 को इसका वर्क इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड द लास्ट पोस्ट इज यंग प्रोफेशनल जो कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन मांगा गया है। 30,000 रुपीज की सैलरी रहने वाली है एंड 29 अप्रैल 2024 को 10:30 पर इसका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है एनी चेंज इन वॉक इन इंटरव्यू विल ओनली बी नोटिफाइड इन द वेबसाइट ओनली। सो गाइस यहाँ पर अगर कोई भी चेंज होता है वॉक इन इंटरव्यू में तो इसकी सारी जानकारी सिर्फ वेबसाइट पर ही दी जाएगी। मैक्सिमम मिनिमम एज लिमिट्स दी गई है यंग प्रोफेशनल जिसमें एनी ग्रेजुएट मांगा गया था उसके लिए 21 से 45 की एज रखी गई है। यहाँ नो TADA विल बी एमिसिबल फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। सो गाइज ये था यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश की जॉब रिक्रूटमेंट। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो सेंड दिस वीडियो टू दोज पीपल हु नीड दिस टाइप ऑफ जॉब्स। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।